हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कृपा और आज का ये वीडियो होने वाला है अबाउट रेजिंग योर वाइब्रेशंस, अबाउट हाउ यू कैन रेज योर वाइब्रेशन फ्रॉम अ लोअर एनर्जी टू अ हायर एनर्जी। आप किस तरह अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशंस को एक लोअर एनर्जी से एक हायर एनर्जी तक ले जा सकते हो, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये बहुत पर्सनल होने वाला है, बिकॉज जो कुछ भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो टोटली मेरे ओपिनियन और मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। तो जो पहली चीज़ आप कर सकते हो टू रेज योर वाइब्रेशंस, अगर आप किसी लो एनर्जी से डील कर रहे हो तो तुरंत जाके नहा लो। सीरियसली, टेक बाथ लिटरली। इवन मैं खुद भी नहा कर आई हूँ अभी इस वीडियो को शूट करने के लिए। इंस्टेंटली आपकी जो एनर्जी है वो लो से हाई की तरफ चली जाती है, बिकॉज आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, आपका मूड ठीक हो जाता है और आप जो भी कुछ करना चाह रहे हो वो बहुत अच्छी तरीके से आप कर पाते हो। क्योंकि नहाने से हमारा बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ज़्यादा अच्छे से फ्लो होने लगता है और जो भी स्ट्रेस लेवल है वो डाउन हो जाता है। तो हम जो भी चीज़ करने वाले हैं, लाइक आपको अगर वीडियो बनाना है, कोई काम करना है, कोई क्रिएटिव वर्क है, तो उससे पहले आप एक बार बाथ जरूर ले लीजिए। और मैं पर्सनली एक चीज़ पे ये भी बिलीव करती हूँ कि स्पिरिचुअल बाथ, आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने इस बारे में सुना है, लेकिन स्पिरिचुअल बाथ भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको हील करने के लिए, अंदर से रिज्यूविनेट करने के लिए। ज़्यादा इतनी टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाती, बट वट आई डू, जो मैं खुद पर्सनली करती हूँ, इज़ लाइक अगर आपके घर पे टब है तो आप टब में पानी भर के उस पर बाथ ले सकते हो, उसमें एसेंशियल ऑयल्स डाल सकते हो, या फिर वो सारी चीज़ें जो आपको खुशी देती है उसमें आप डाल सकते हो, या फिर अगर आपके पास टब नहीं है घर पे, जैसे मेरे पास भी नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, बाल्टी में पानी भर के उस पर अपने पैरों को डिप करके वहाँ बैठ जाती हूँ, एक सूदिंग म्यूज़िक चलाती हूँ और कैंडल्स, अपने फेवरेट कैंडल्स, उसकी फ्रेग्रेंसेस, उसको फील करती हूँ, उस म्यूज़िक को फील करती हूँ, उस वाटर को फील करती हूँ। स्पिरिचुअल बाथ के कुछ रेमेडीज़ होते हैं जो हमें डालने होते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक लाइट हार्टेड वे में उस चीज़ को करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। और सीरियसली ये आपके लाइक आपके सोल को, आपकी एनर्जी को, आपके इनर सेल्फ को बहुत पीस देता है और आपको आपकी जो एनर्जी है वो इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा हाई होती है, आप एक काम स्टेट में पहुँच जाते हो। ओके, जो दूसरी चीज़ मैं करती हूँ अपनी एनर्जी को, अपने वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए, वो है अपने फेवरेट सॉन्ग को सुनना। ये तो हर कोई करता है, आई थिंक हम में से मैक्सिमम लोग ये करते हैं, लेकिन सुनना ही काफ़ी नहीं है। मैं सुनने के साथ साथ गाती भी हूँ, आप मानोगे नहीं, बट अगर आप अपना फेवरेट गाना सुनोगे और साथ में गुनगुनाओगे, मैं तो बोलती हूँ गुनगुनाना भी क्यों है, ज़ोर ज़ोर से गाओ, आपकी एनर्जी इस तरह से वाइब्रेट करेगी हाई वाइब्रेशन में कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जब आप अपना फेवरेट गाना गाते हो, साथ ही साथ सुनते सुनते गाते भी हो, तो आपके अंदर जो भी हैप्पी हार्मोन्स है ना वो रिलीज़ होने लगते हैं, जिसके कारण आपकी एनर्जी अपने आप ही हाई वाइब्रेशन पे चली जाती है। और इससे बेटर क्या हो सकता है, कुछ करना भी नहीं है, कुछ इंटेंस भी नहीं करना और हम अपने आप अच्छा फील करने लगते हैं। ये तो बताने वाली भी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, गाना सुनो मत, साथ में गाओ भी। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है मेडिटेशन। ऑफकोर्स आप में से सभी लोगों ने सुना है कि मेडिटेशन करो, बट हम जब कॉम्प्लेक्सिटी में घुस जाते हैं मेडिटेशन की, कि पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो उसके बाद मेडिटेट करो, इतना कुछ सोचते हैं कि हम फिर मेडिटेट करते ही नहीं है, क्योंकि इतना कौन लाइक यू नो गाइडलाइंस फॉलो करें। और हम एज ह्यूमंस तो हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमको आसानी से चीज़ें मिल जाए। तो मैं आपको एक अच्छा सोल्यूशन बताती हूँ कि इतना सोचो ही मत। मैं क्या करती हूँ पर्सनली, यू नो, मुझे अगर लगता है कि मेरी एनर्जी लो है और मैं कुछ सोच नहीं पा रही, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही किसी चीज़ पर, मुझे रोना आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही लाइक यू नो फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, चुपचाप बैठ जाती हूँ किसी कोने में जहाँ किसी की आवाज़ ना आए, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, और मैं ओमकार चलाती हूँ अपने मोबाइल पर, हेडफोन लेती हूँ, कान में डालती हूँ और ओमकार, ओम नमः शिवाय या फिर ओम चलाकर बस सुनती रहती हूँ। और मेरे हिसाब से इतना भी काफ़ी है, आपको कोई बैठ कर मुद्रा लेकर इनहेल एक्सहेल करके करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना करना भी कि कानों में हेडफोन लगाकर कोई मंत्र जो आपका फेवरेट मंत्र हो, जो आपके लाइक यू नो आपको पसंद हो, जो आपके कानों को भाता हो, ऐसा कुछ चलाकर साइलेंटली आप जस्ट बैठ जाओ कुछ टाइम के लिए, 5 to 10 minutes के लिए, और बिल्कुल उसी म्यूज़िक पे कॉन्सेंट्रेट करो, उस मंत्र पे, उस मंत्र चैंटिंग पे, चाहे तो साथ में चैंटिंग कर सकते हो वो आपकी इच्छा है, या फिर चुपचाप बैठ कर किसी कोने में उस चैंटिंग को सुनो। आप थोड़ी 10 मिनट बाद भी रियलाइज़ करोगे कि आपका जो ब्रेन है, जो कंटिन्यूस थॉट्स आपके अंदर डाल रहा है, वो शांत हो जाएगा। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, और हम ही इस चीज़ को डिफ़िकल्ट बनाते हैं ये सोच करके कि इसका कोई गाइडलाइन है कि हमें इसी तरह से कोई चीज़ों को करना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हो कि चीज़ें आसान हो, तो आपको भी चीज़ों को आसान तरीके से लेनी चाहिए। जो चौथा पॉइंट है वो है राइटिंग डाउन योर ग्रजेस। यस, दैट्स व्हाट आई डू। मुझे अगर किसी पे गुस्सा आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और मन कर रहा है उसको बस मार डालूँ, तो मैं क्या करती हूँ, लिख देती हूँ अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी भड़ास उस पेपर पे निकाल देती हूँ। और सच मानो मैं सीधे सीधे लिखती भी नहीं हूँ, मैं बस हाथों को चलाती रहती हूँ, क्योंकि
जब हम किसी पे गुस्सा होते तो हमारे अंदर इतना गुस्सा होता है, इतना ज़्यादा कि हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली उस इंसान को गालियाँ दे रहा होता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप बस पेन पेपर लेके बैठ जाओ, लिखना शुरू करो। हो सकता है आपके दिमाग के स्पीड के साथ आपकी राइटिंग स्पीड ना मिले, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। आप बस फील करो कि आपका दिमाग जो बोल रहा है आप बस उसी को लिखे जा रहे हो, चाहे एक स्ट्रेट लाइन ही क्यों ना खींच रहे हो। ऐसा कोई बताता नहीं है, मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ क्योंकि मैं पर्सनली ये ट्रिक यूज़ करती हूँ और लिटरली बहुत ज़्यादा काम आता है। मैं 3-4 पेजेस भर देती हूँ सिर्फ लाइनिंग में, क्योंकि मेरा दिमाग कॉन्स्टेंटली उस इंसान को गालियाँ दे रहा होता और लेकिन मैं उसको, किसी को तो एक्सप्रेस कर नहीं सकते अपना गुस्सा, तो इससे अच्छा और क्या है कि हम अपनी सारी भड़ास उस पर्टिकुलर पेपर पे ही निकाल दें, उस कागज़ पे निकाल दें। उसको लिखने के बाद उसको मैं फाड़ती हूँ, फिर उसको मैं या तो जला दे, बहुत ज़्यादातर मैं जला ही देती हूँ। मैं क्या करती हूँ ना, मैच बॉक्स लेती हूँ, उस पेपर को फाड़ती हूँ, मैच बॉक्स लेती हूँ, उसको जलाकर एक प्लेट के ऊपर चलते हुए देखती हूँ। बहुत अच्छा फील होता है, जो नेगेटिविटी अंदर है हमारे, ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे बर्न हो रहा है। या तो फिर आप फ्लश कर दो जॉबी मेट की तरह, ये आपके ऊपर है, आप जिस तरह से आपको रिलैक्स फील होता है। लेकिन हाँ, लिख दो, जो भी मन में नेगेटिविटी आ रही है ना उसको लिख दो। आपकी वाइब्रेशन सीरियसली बहुत बहुत इफेक्ट होगी। आपकी वाइब्रेशन जो अभी लोअर स्टेट पे चल रही है वो ऑटोमेटिकली हायर स्टेट पे चलेगी, क्योंकि आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको निकाल दिया पेपर पे, सेकंड ऑफ ऑल आपने उसको निकालने के बाद उस नेगेटिविटी को पूरी तरह से जला दिया। फिफ्थ पॉइंट है, वो है चेंजिंग योर क्लॉथ्स। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे उससे क्या होता है, अरे उससे बहुत कुछ होता है। हमारे जो कपड़े हैं, हम जो कपड़े पहन के रखते हैं ना काफ़ी टाइम तक और चेंज नहीं करते, हमारे कपड़े हमारी एनर्जी एब्जॉर्व करती है। हम जो भी उस पर्टिकुलर मोमेंट में सोच रहे होते हैं, हम जो भी एमिट करते हैं अपनी बॉडी से, जो भी एनर्जी अगर वो लो फ्रिक्वेंसी पे है तो हमारे जो क्लॉथ्स है उसको अब्जॉर्व करने लगते हैं, और जिसके कारण वो एनर्जी हमारे आसपास ही भटक, मतलब हमारे आसपास ही रहती है। जब आप क्लॉथ्स चेंज करते हो इन अ रेगुलर इंटरवल तो वो एनर्जी एक्सचेंज होती है। आपकी जो एनर्जी जो आपके अंदर ही इंटैक्ट है, लोअर वाइब्रेशंस, वो आप जब निकाल के रखते हो और दूसरा क्लॉथ, दूसरे कपड़े जब आप पहनते हो तब वो एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको बेटर फील होता है। आप कभी ये ध्यान देना, जब आप फीवर में होते हो, बीमार होते हो, तब भी आप जब क्लॉथ चेंज करते हो ना तो बहुत फ्रेश फील होता है। एंड सीरियसली ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी मुझे लोअर फील होता है कुछ घंटों बाद तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सोते समय भी, सोने से पहले भी अपने कपड़े चेंज करती हूँ। इवन इफ मैंने 2-3 घंटे पहले भी चेंज किया हो, फिर भी मैं एक बार चेंज कर ही लेती हूँ, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है और नींद भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है यूज़ फ्रेग्रेंसेस। बिल्कुल, मैं तो बहुत करती हूँ और मैं सारे पॉइंट्स भी अपने हिसाब से ही बता रही हूँ, ये किसी का रिकमेंडेशन है, मेरा खुद का रिकमेंडेशन है। यूज़ फ्रेग्रेंसेस, चाहे किसी भी फॉर्म में करो, कैंडल्स के रूप में, फ्लावर्स के रूप में, सेंट के रूप में, परफ्यूम्स के रूप में, किसी भी तरह से, एसेंशियल ऑयल्स के रूप में, आपको जिस भी तरह से करना हो आप करो, लेकिन अपने सराउंडिंग को एक अच्छे स्मेल से भरो, एक अच्छी फ्रेग्रेंस आए इस तरह का कुछ करो। क्योंकि जब अच्छी स्मेल आती है हमारे आसपास से, हमारा मूड इंस्टेंटली चेंज होने लगता है। अगर हमें किसी चीज़ का फ्रस्ट्रेशन है, अच्छा नहीं लग रहा, गुस्सा आ रहा है, बुरा लग रहा है, दुख हो रहा है, कैसी भी फीलिंग क्यों नहीं हो, अगर हमें कोई एक अच्छी सी स्मेल आती है ना तो हमारा ध्यान सीधे उस स्मेल पर जाता है। इवन इफ हम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो किसी के ऊपर, तब भी सडनली जब हमें कोई अच्छी सी स्मेल आती, खाने की क्यों ना हो, जब हमें कोई स्मेल आती है तो हमारा ध्यान थोड़ी देर के लिए भटकता ज़रूर है। तो ये एक अच्छी ट्रिक है जिससे आप अपनी एनर्जी को इंस्टेंटली शिफ्ट कर सकते हो। यूज़ फ्रेग्रेंसेस, ये बहुत ज़्यादा काम आता है आपके मूड को अपलिफ्ट करने के लिए भी और आपकी एनर्जी को इंस्टेंट अपलिफ्ट करने के लिए भी। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे, आई थिंक मैंने 6 पॉइंट्स आपको बताए हैं, अपने रिकमेंडेशन से बता रही हूँ, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो आप इन 6 टिप्स को फॉलो कर सकते हो अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशंस को हायर फॉर्म में लेके जाने के लिए। सो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग या फिर वीडियो में। बाय।